नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उज्ज्वल भारत। आज मैं आपको CISF हेड कांस्टेबल के डॉक्यूमेंट सेट करना बताने जा रहा हूँ। तो आगे देखिए, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जो है 1 KB से ज़्यादा का, सॉरी 1 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, और 10+2 का भी 1 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, और फ़ोटो जो है हमारा 20 KB से लेकर के 50 KB के बीच में होना चाहिए, वो भी JPG फाइल। और जो हमारा हाई स्कूल और यानी कि 10th और 12th है वो PDF फाइल में होना चाहिए, और जो हमारा सिग्नेचर है वो 10 KB से लेकर के 20 KB के बीच में होना चाहिए। दोस्तों आज हम बता दें आपको कि सबसे पहले हम फ़ोटो को सेट करना बता। देखिए दोस्तों, आते हैं हम अपने क्रोम ब्राउज़र में और ओपन करते हैं सरकारी रिजल्ट। सर स्क्रॉल डाउन करते हैं और सर CISF की वेबसाइट को ओपन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करते हैं दोस्तों और सबसे नीचे आते हैं फ़ोटो नेम एंड डेट ऑनलाइन, क्लिक हियर पर क्लिक करते हैं और स्क्रॉल डाउन करके देखिए दोस्तों, या तो हम नाम भी डाल सकते हैं और नाम नहीं भी डालने तो कोई। देखो दोस्तों, मोबाइल को डेस्कटॉप मोड पे करें, प्रॉब्लम आ रहा है। अभी डेस्कटॉप मोड पे कर लीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इतना अपना नाम डाल ले रहे हैं, डेट डाल ले रहे हैं आज का, और यहाँ फोटो सेलेक्ट कर ले रहे हैं। ये हमारा फोटो है, कैप्चर डाल के दोस्तों जड्डे टेबलेट पर क्लिक कर दे रहे हैं। कैप्चर गलत हुए है, ये हो गया जनरेट होकर फोटो एकदम बेहतरीन दोस्तों, और साथ साथ डाउनलोड भी हो गया। देखिए दोस्तों, हम अपने फ़ोटो का साइज सेट देख रहे हैं कि परफेक्ट है कि नहीं है, तो हम मोर वाले ऑप्शन पर आ जाते हैं और डिटेल पर क्लिक करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, हमारा फोटो जो फोटो का साइज़ है वो 12 KB का है, यानी कि हमारा फ़ोटो सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। इसीलिए हम इसका साइज सेट करने के लिए क्रोम ब्राउज़र को ओपन करते हैं, और क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद दोस्तों JPG रिसाइज गूगल में सर्च करते हैं। JPG रिसाइज जो वेबसाइट है दोस्तों, जितना हम चाहेंगे उतना फ़ोटो को रिसाइज कर सकते हैं, यानी कि छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो जो ऊपर वाली वेबसाइट है उसको हम ओपन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम अपना सेलेक्ट इमेज कर लेते हैं, ओपन फाइल, ये जो हमारा इमेज है हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब देखिए दोस्तों, स्क्रॉल डाउन करिए, अब हम बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, क्वालिटी बढ़ा ले रहे हैं फ़ोटो की, तो हमारा साइज जो है बढ़ जाएगा, तो 90 की जगह हम 100 कर दे रहे हैं। रिसाइज इमेज पर क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखिए दोस्तों, हमारा 35.35 KB का फ़ोटो हो गया है, यानी कि CISF के फॉर्म पर लगने के लिए एकदम परफेक्ट है। इसलिए हम इमेज को डाउनलोड करते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए दोस्तों, डाउनलोड अगेन, हमारा फ़ोटो डाउनलोड हो रहा है। इस तरीके से हमारा फ़ोटो एकदम परफेक्ट हो गया। ऐसे दोस्तों हमें सिग्नेचर, जैसे फ़ोटो खींचेगी, फ़ोटो खींचने के बाद हम क्रॉप करेंगे, अगर हमारा साइज परफेक्ट नहीं आता तो ऐसे ही जैसे हमने फ़ोटो को रिसाइज किया है वैसे ही हम इमेज को रिसाइज कर लेंगे। तो दोस्तों हमें इस तरीके से हमें कोई परेशानी यानी कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हो, हम आपकी पूरी पूरी मदद करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं हमें। अब दोस्तों हम अपने सर्टिफिकेट को क्रॉप कर ले रहे हैं,
क्रॉप करने के बाद में देखो क्रॉप कर लिया गया है। और डिटेल्स चेक करेंगे दोस्तों तो हमारे 190 KB का JPG है, और अब हम इसे JPG to PDF कन्वर्ट करेंगे और गूगल क्रोम ब्राउज़र में आएंगे और JPG to PDF वेबसाइट सर्च करेंगे, जो सबसे ऊपर वाली वेबसाइट होगी उसी पर क्लिक करेंगे और अपने इमेज को सेलेक्ट करके कन्वर्ट कर लेंगे और दोस्तों डाउनलोड कर लेंगे। देखो दोस्तों हमने अपने मार्कशीट को सेलेक्ट कर लिया है, JPG to कन्वर्ट टू PDF पर क्लिक करेंगे और हमारा PDF कन्वर्ट हो रहा है JPG से PDF। देखिए दोस्तों हमारा JPG से PDF कन्वर्ट हो गया है दोस्तों, और आगे हमें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फॉर्म ऑनलाइन के साथ।